दोस्तों, बर्फों से जूते हमारे पैरों को सर्दी गर्मी धूप बारिश और यहाँ तक कि चोट लगने से भी बचाते आए हैं और हमको आकर्षक डिजाइन के जूते पहनना पसंद भी बहुत होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब जूतों के बारे में बताएंगे। यह जूते इतने अजीब व अनोखे हैं कि इनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना या देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यंसाई की एक और बेहतरीन एपिसोड में। और आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसे ही कमाल के जूतों के बारे में बताऊंगा। यह जूते इतने अनोखे हैं कि शायद ही आपने इनके बारे में कभी देखा या सुना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो टाइम टू टाइम देख सकें। ईट शू। यह जूता सबसे अजीब और साथ ही साथ बेहद डरावना दिखता है, क्योंकि इस जूते के तलवों में रबड़ और या किसी अन्य धातु की जगह इसमें असली आदमियों के दांत लगे हैं। जी हाँ, इसमें असली ह्यूमन के दांत लगे हैं। और इसे पहनने के बाद तो यह जूता और भी ज्यादा भयानक लगने लगता है। इस जूते को ब्रिटेन के एक कलाकार मारियाना फ्रेंच ने बनाया है। इस भयानक से दिखने वाले जूते के सिंगल पीस को ही बनाने में इंसानी 100 दांतों से भी ज़्यादा दांत लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इस जूते के तलवे में दांत ही दांत भरे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियां इस जूते को पहनना बहुत पसंद करती हैं। यह जूतों का रंग लाल रखा गया है, जो कि एक तरह से हमारे मसूड़ों को भी प्रतीत करता है। और इस जूते के पीछे के हिस्से में हमारे दांतों के पीछे हिस्से यानी कि हमारे चौड़े दांतों को लगाया गया है, और आगे के हिस्से में हमारे आगे के दांतों को। गिलहरी के तरह दिखने वाला जूता। इस जूते को 5 अगस्त 2016 में न्यूयॉर्क में एक फैशन शो के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके बनाने वाले का यह कहना था कि यह जूता सभी को पसंद आएगा और देखते ही देखते यह जूता दुनिया भर में पॉपुलर भी हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह जूता जैसे ही पब्लिक की नज़रों में आया, तभी उसको सभी ने नापसंद कर दिया। इस जूते के सामने के हिस्से में गिलहरी का आर्टिफिशियल सर लगाया गया है और गिलहरी के बीच के ऊपरी हिस्से में एक सींग भी लगाया गया है, जिससे कि यह बेहद ही डरावना दिखता है। रोलर स्केट शू। यह जूता बेहद ही काम का और बहुत ही कमाल का है, साथ ही साथ यह विदेश में काफ़ी चर्चित भी है। इस जूते को रोलर स्केट्स की तरह बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको आप पहनकर कहीं भी घूमने जा सकते हैं। अगर आप हाइट में थोड़े छोटे हैं तो यह जूता आपकी हाइट को भी बढ़ा देगा, क्योंकि इस जूते की हाइट 5.5 इंच की है, जो कि आपकी हाइट को आधा फिट तक बढ़ा देगा। लेकिन इस जूते को ख़रीदना हर किसी के बस की बात नहीं। इस जूते की कीमत $2000, जो कि इंडियन रुपी में 1,30,000 रुपये बैठती है। इस जूते को आप कुछ विदेशी देशों में नहीं चला सकते, क्योंकि यह जूता बाहर के कुछ देशों में बैन भी है। एनको रनिंग शू। इस जूते को 4 फरवरी 2015 में सबसे पहले लॉन्च करा गया था और यह जूता तभी से बहुत ही तेज़ी के साथ बिकना शुरू हो गया। यहां तक कि एक महीने में इस जूते का सारा स्टॉक बिक गया, तो कंपनी को दोबारा इस जूते को बनाना पड़ा। यह जूते की खास बात यह है कि यह जूता बेहद ही लाइट वेट है और इसको रनिंग के लिए खास तौर पर बनाया गया है।